नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बातें। सबसे पहले जब हम पाम की स्किन का कलर देखते हैं तो एक पिंक कलर स्किन पाम है, और ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट पाम लगता है कि जैसे देखने में बहुत एकदम मुलायम कोमल हाथ इस टाइप की फीलिंग ये देता है। हालांकि ये एक मेल हैंड है फिर भी, लेकिन काफ़ी सॉफ्टनेस दिखाई देती है। तो ऐसे लोग बहुत कोमल हृदय के होते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी दिल पे बातों को ले लेते हैं, और ऐसे लोग एक तरह से जियो और जीनो दो इस टाइप की चीज़ों में बिलीव करते हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो ये एक स्क्वायर्ड पाम है, ये देखिए स्क्वायर्ड पाम है। तो जब पाम स्क्वायर्ड होता है इंसान जीवन में काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी उसको चीज़ें रुक रुक के थोड़ा सा मेहनत के साथ तभी मिल पाती हैं। और हाथ में एक चीज़ नोटिस करने वाली कि जो मिडिल ये लिटिल फिंगर है ये देखिए ये यहीं तक आ रही है। तीनों फिंगर काफ़ी लंबी है, पाम के अकॉर्डिंग अच्छी खासी लंबी है, लेकिन ये फिंगर छोटी रह गई है। तो जब अब आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये फिंगर जब इतनी लेंथ इसकी यहीं तक हो तो क्या मीनिंग होता है। तो पाम में देखिए सबसे पहले एम का चिन्ह जो है यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, ये देखिए दोनों रेखाएं अलग जा रही हैं, तो इस वजह से पाम में एम का चिन्ह नहीं बन पा रहा। लेकिन अगर ट्रायंगल की बात करें तो बड़ा अच्छा ट्रायंगल बन रहा है इनके हैंड। ऐसा ट्रायंगल अभी तक जितने भी पाम एनालिसिस किए तो उसमें सेविंग्स कम दिखाई देती हैं, लेकिन इस पाम में सेविंग काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती हैं। ऐसा जब मनी ट्रायंगल बनता है तो इंसान के पास काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस हो जाता है जीवन में। और भी हाथ में चीज़ें हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर अगर देखें इस तरह से ये ग्रो करेंगे और आगे जीवन में ग्रो करते करते देखिए ग्रोथ इनकी यहाँ से शुरू होती हुई यहाँ पर जाएंगे फिर यहाँ पे इस तरह से, तो लाइफ के एंड में ग्रोथ इनकी बताते हैं कि यहाँ से ज़िंदगी शुरू करी और यहाँ पर ग्रोथ जब ज़िंदगी के लास्ट मोमेंट पर ओल्ड एज में यहाँ पर ग्रोथ होगी। तो ग्राफ इनका इस तरह से चल रहा है। अब हाथ में देखें ये गुरु की फिंगर इधर की ओर मुड़ी हुई है, टिल्टेड है। ऐसे में इंसान रिलीजियस माइंडेड होता है, भगवान में काफ़ी आस्था रखता है और उसको एक धार्मिक विचारों का व्यक्ति होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए एक रेखा इस तरह से कट कर रही है। ऐसे में इंसान को जीवन में समाज से बुराइयाँ भी मिलती हैं, लोग पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं। कई बार ऐसे लोग जब किसी की मदद करते हैं उसके बाद भी इनको बातें सुननी पड़ती हैं। अब यहाँ पर देखें तो शनि और गुरु की फिंगर, सूर्य और गुरु की फिंगर में गुरु की फिंगर थोड़ी सी लंबी आ रही है। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसे लोग टीम वर्क बना के वर्क करते हैं और एक लीडरशिप लीडर की तरह से सबको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें एक गैप दिखाई देता है, ये देखिए ये गैप दिखाई देता है। ऐसे में जब इंसान के हाथ में गैप होता है तो इंसान में खर्च करने की इच्छा ज़्यादा होती है, और जैसे ही कोई अच्छी चीज़ देखता है इंसान को लगता है कि नहीं मुझे खर्च कर लेना चाहिए। और हाथ में देखिए यहाँ पर भी हल्का हल्का स्लाइड गैप दिखाई देता है। अब हाथ में देखें ये फिंगर में और इधर, ये फिंगर में और इधर दोनों के बीच में गैप है। ऐसे में इंसान समाज की परवाह कम करता है, और ये देखिए छोटी फिंगर ये देखिए यहीं तक ही आ रही है, नॉर्मली यहाँ तक आ जाती है या फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच जाती है, ऊपर भी निकलती है, लेकिन ये यहाँ पर इतनी लो सेट है। तो ऐसे में इंसान का कॉन्फिडेंस कई बार लो होता है, लोग उन्हें दबाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों को कदम कदम पे दबाया जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें नहीं मालूम है, इस टाइप से लोग उनको दबाते हैं। लेकिन फिर भी ये लोगों की परवाह न करते हुए अपनी एम्बिशन को ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए ऐसे लोग जो होते हैं कई बार लोगों के दबाव के कारण उनमें ऐसा लगता है कि वो अपने आप को उभार नहीं पा रहे, ये फीलिंग उनके अंदर आने लगती है। परंतु ऐसे लोगों के साथ जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब ये अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हैं और लोगों को बताते हैं कि नहीं मेरे अंदर भी बहुत काबिलियत है, क्षमता है। अब हाथ में देखें यहाँ पर ये इस तरह से उंगली का थोड़ा टिल्ट हो जाना, ऐसे में इंसान जीवन में जो पैसा कमाने के जो मौके होते हैं उसमें
वर्क करता है उसमें गंवाना नहीं चाहता उस मौके को, तो उस मौके का पूरा पूरा यूटिलाइज़ करते हैं और नए नए आइडिया सोचते हैं कि पैसे को और कैसे बढ़ाया जाए और कैसे ग्रो करा जाए। अब हाथ में यहाँ पर देखें गुरु पर्वत की ओर चलते हैं। गुरु पर्वत पर देखिए एक क्रॉस का चिन्ह बड़ा क्लियर दिखाई देता है, ऐसे में इंसान को पारिवारिक सपोर्ट भी मिलता है। और यहाँ पर देखिए गुरु पर्वत अच्छा खासा डेवलप्ड है, तो ऐसे में इंसान को काफ़ी अच्छा परिवार से सपोर्ट मिलता है। साथ में एक रेखा यहाँ से ऐसे चली आ रही है, इस तरह की रेखा आ रही है। ये रेखा अभी अधूरी है, या तो ये रेखा इधर से ऐसे टर्न ले तो हम कह सकते हैं गुरु वाले है, लेकिन इस टाइप का अभी कोई फॉर्मेशन नहीं दिखाई देता हाथ में, तो ये रेखा अभी अधूरी बनी हुई है। अब हाथ में यहाँ पर और ध्यान से देखने पर एक हमको यहाँ से एक रेखा निकल के आ रही है, यहाँ से एक छोटी सी रेखा निकल कर आ रही है। ये बताती है किसी बचपन में कोई चोट वोट लगने के बारे में, तो ये मंगल पर्वत से निकल रही है और यहाँ जीवन रेखा काटती हुई निकल रही है। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो एक हमें शनि पर्वत पर आए तो शनि पर्वत उभरा हुआ है, यहाँ बीच में थोड़ा सा दबाव दिखाई देता है। देखिए अच्छा उभार लिए हुए घेराव लिए हुए है, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा दबाव है, तो ऐसे में इंसान जीवन में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, कभी कभी प्रेजेंट समय थोड़ा सा कम अच्छा होता है, इंसान परेशान होता है, इसलिए ये दबाव दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर हाथ में मछली भी दिखाई दे रही है। जब हाथ में मछली होती है तो इंसान को ओल्ड एज लग्जरियस होती है, ओल्ड एज में काफ़ी सुख प्राप्त करता है, जीवन की हर लग्जरी की आइटम वो जोड़ लेता है, चाहे वो घर हो मकान हो और पैसा गाड़ी, ये सब चीज़ें उसके पास जुड़ जाती है। और जैसे कि हमने ट्रायंगल देखा, अच्छा खासा बड़ा ट्रायंगल के हाथ में है। अब हाथ में यहाँ पर एक रेखा इस तरह से दिखाई देती है, ये देखिए यहाँ से चलती हुई, ये यहाँ से निकलती हुई एक रेखा इस तरह से, ये इस रेखा को पूरी कर रही है, जो रेखा भी हमने देखी थी यहाँ पर इस रेखा को इस तरह से पूरी कर रही है। तो ऐसे में इंसान को कभी कभी ससुराल से धन लाभ के योग भी बन जाते हैं। और यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी एक शुक्र वलय का, ये देखिए यहाँ तक जा रहा है और ये देखिए यहाँ तक ये रेखा इस तरह से, ये थोड़ा टूटा हुआ शुक्र वलय बन रहा है, अभी पूरा नहीं बना है, तो अभी इनकी एज कम है, हो सकता है आगे आने वाले 3-4 वर्षों में ये रेखा पूरी हो जाए। जब शुक्र वलय बनता है तो इंसान की डिज़ायर्स अच्छी खासी होती हैं और इंसान जीवन में तरक्की बहुत करता है, उसको काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेता है और राइज के कई मौके आते हैं, अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं, अचानक से अपॉर्चुनिटीज आती हैं जीवन में। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो इनके एपेक्स भी दिखाई देता है, ये देखिए यहाँ पर एक तो सबसे पहले ये लूप दिखाई दे रहा है, ये लूप दिखाई दे रहा है जो बहुत शुभ फलदायी है, करियर में बहुत लाभ दिलवाएगा, किसी अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी के भी योग बन सकते हैं इनके। और यहाँ पर देखें सूर्य पर्वत पर, सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, देखिए थोड़ा दबाव है, या तो आँखों का चश्मा होता है या पिता से थोड़े मतभेद होते हैं। और अगर हाथ में यहाँ पर थोड़ा सा और इसको देखें तो यहाँ पर सूर्य की रेखा इस तरह से चली आ रही है, तो जब सूर्य की रेखा इस तरह से चली आ रही होती है तो इंसान को जीवन में 50 साल की उम्र के बाद काफ़ी नेम फेम मिलता है, एक वो एक लेवल क्रिएट कर लेता है समाज में। अब ये देखिए बुद्ध पर्वत पर, बुद्ध पर्वत पर घेराव बहुत अच्छा है, ऐसे लोग कभी कभी कंप्यूटर्स या एस्ट्रोलॉजी या फाइनेंशियल सेक्टर इस टाइप की जगहों पर काम करते हैं और काफ़ी अच्छा घेराव लिए हुए हैं। और हाथ में देखें यहाँ पर एक इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो ऐसे लोग रुपए पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं, कभी कभी स्टॉक म्यूचुअल फंड्स इस टाइप की चीज़ों में के भी शौक रखते हैं। अब यहाँ पर हाथ में देखें मंगल पर्वत को, तो मंगल पर्वत बहुत डेवलप्ड नहीं है, ऐसे लोग थोड़ा रिस्क लेने से घबराते हैं। अंदरूनी मंगल भी अगर देखें दबा के तो बहुत
दबा हुआ है, ऐसे लोगों के मन में भय चलते रहते हैं, अंदर डर होते हैं कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा नहीं रहेगा, मैं जीवन में कुछ कर तो पाऊंगा और मेरे आगे आने वाला जीवन कैसा रहेगा, ये बहुत डर उनके अंदर चलते रहते हैं और कई बार इस डर की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी ले लेते हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें चंद्र पर्वत की ओर, चंद्र पर्वत अच्छा डेवलप्ड है। चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत पर काफी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, ये देखिए इस तरह से रेखाएं हैं, तो ऐसे में इंसान को जीवन में यात्रा करने के काफ़ी मौके मिलते हैं, काफ़ी ट्रैवलिंग करते हैं और चंद्र पर्वत का घेराव भी अच्छा है तो विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं, परंतु देर से जिंदगी लाइफ में। अब हाथ में यहाँ पर देखें शुक्र पर्वत की ओर, शुक्र पर्वत अच्छा घेराव लिए हुए हैं, ऐसे लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं, इंसान के पास अच्छा रुपये पैसा होता है, अच्छी चीज़ों के शौकीन होते हैं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड आइटम, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन और साथ में ऐसे लोगों को पार्टी करने का भी शौक़ होता है, कई बार अच्छा मोबाइल और महंगी एक से एक चीज़ें इनके पास देखने को मिल सकती हैं। और हाथ में यहाँ पर देखें तो ये देखिए, अगर इनके अंगूठे को देखें तो अंगूठा अच्छा लंबा सीधा अंगूठा है, जब ऐसा अंगूठा होता है तो इंसान थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव का होता है, जल्दी अपने विचार बदलना नहीं चाहता और कभी कभी लोगों के जैसे दबाव के कारण ऐसे लोग थोड़े से अंदर से घुटे भी रहते हैं। और ये देखिए ये आँख का चिन्ह बहुत अच्छा बना हुआ है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में काफ़ी पैसा कमाते हैं और ज़िंदगी में आगे एक तरह से लाइफ के ओल्ड एज तक भी पैसा कमाते रहते हैं, उन्होंने इस टाइप की प्लानिंग कर रखी होती है कि ओल्ड एज तक भी उनको इनकम होती रहती है। अब हाथ में यहाँ पे देखें तो विल पावर काफ़ी अच्छी है, लॉजिक पावर भी बहुत अच्छी है, परंतु यहाँ पे ये देखिए इस तरह से कुछ कट्स आ रहे हैं कि कुछ बाधाएं ऐसी आ जाती हैं कि जो इनकी विल पावर को थोड़ा सा हिला देती हैं, उनको काम के बीच में उनको रोक देती हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें चलते हैं लायंस की ओर, एक हाथ में देखिए बिजनेस करने के लिए बिजनेस की रेखा का होना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस करना चाहे अगर कोई तो यहाँ से इस तरह से बिजनेस रेखा होती है तो वो इतनी डार्क होती है, अगर बिजनेस रेखा हल्की हो या सिर्फ ऐसे ही हल्की सी रेखा हो तो ऐसे लोग सिर्फ कंसल्टेंसी वर्क करते हैं, ये देखिए एडवाइजरी वर्क कंसल्टेंसी वर्क करते हैं, लेकिन अगर बिजनेस की रेखा का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो ऐसे शार्प होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट बुद्ध पर्वत पर आके रुकनी चाहिए, परंतु इस हाथ में हमने एक एडवाइजरी रेखा देखी है। अब हाथ में यहाँ पर लाइफलाइन की ओर देखें तो लाइफलाइन और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग चल रही हैं, जब ऐसा होता है तो इंसान को अपनी माता का सुख या तो कम मिलता है, माता से दूर रहना पड़ता है या फिर माता या अपने परिवार से विचार नहीं मिलते, परिवार से थोड़ी अलग सोच होती है जिसकी वजह से पिता परिवार में थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, बहुत बड़ा मतभेद नहीं लेकिन एक होता है कि नहीं कि पिता बच्चों के और माता पिता में थोड़ा सा विचारों का अनबन चलती रहती है। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो छोटी छोटी लाइन्स यहाँ पर इस तरह से कट दे रही हैं और नीचे की ओर आ रही हैं, तो ऐसे में इंसान को जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, अपनी लाइफ के करियर के इनिशियल ईयर्स में काफ़ी स्ट्रगल करके आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे अगर हम देखें इनकी उम्र आगे बढ़ रही है रेखा काफ़ी साफ़ हो रही है, यानी कि देखें तो 30 से 32 साल की उम्र में रेखा एकदम साफ़ होती जा रही है और नीचे की ओर एकदम साफ़ चल रही है, यानी कि जो स्ट्रगल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हाथ में यहाँ पर देखें भाग्य रेखा की ओर, भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है और उस पर इस तरह की कट्स आ रही है, राहु रेखा यहीं से ये जो रेखाएं यहाँ से कट लगा रही हैं तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दिखाती हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह के कट्स देखने को मिलते हैं, तो यानी कि ये एक बाधा स्ट्रगल्स देखने को मिलती हैं, परंतु जैसे ये अपने देखिए यहाँ पर एक रेखा आ रही है और ये इस तरह से रेखा चल रही है, जैसे ये अपने 30-32 वर्ष में एंटर करेंगे तो एकदम समय बदलने लगेगा,
चीज़ें अलग हो जाएंगी, थोड़ा सा दो सोर्स ऑफ इनकम इनके दिखाई देते हैं, और साथ में यहाँ पर रेखा एकदम सीधी इस तरह से होती हुई शनि पर्वत को निकल जाती है, यानी कि इनकम स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये राइज करने के काफ़ी अच्छे चांस इनके दिखाई देते हैं, और जब स्टेबल इनकम होती है तो सेविंग्स भी अच्छी होती है, इंसान जोड़ता चला जाता है अपनी प्लानिंग के साथ, तो लाइफ में फाइनेंशियल पोजीशन भी इनकी अच्छी रहेगी। और ये ट्रायंगल भी बता रहा है, ये देखिए ट्रायंगल भी बता रहा है काफ़ी सेविंग्स अच्छी कर लेंगे ये। अब हाथ में यहाँ पर देखें मस्तिष्क रेखा को, कि मस्तिष्क रेखा जैसे कि हमने देखा कि जीवन रेखा से अलग चल रही है, अलग विचार हैं। जब मस्तिष्क रेखा इस तरह की चल रही हो तो इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, देखिए कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज़ के बारे में अपने प्लानिंग्स करता है। और यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा दबाव दिखाई देता है, थोड़ा स्ट्रगल का दबाव, नौकरी का दबाव इस तरह से दिखाई देता है। अब हाथ में जैसे जैसे रेखा आगे बढ़ रही है दबाव कम होता जा रहा है और आगे जाके ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम्स चल रही थी माइंड में, जो परेशानियाँ थी, दुविधा थी, वो दूर हो गई। अब वो आते हैं हृदय रेखा की ओर, कि देखें हृदय रेखा क्या कहती है। हृदय रेखा ये देखिए थोड़ी जंजीरदार है, थोड़ा सा यहाँ से डार्क है, ऐसे में इंसान कोमल हृदय का होता है, बातों को जल्दी दिल पे ले लेता है। और हृदय रेखा यहाँ जाके इस तरह से रुक रही है, शनि पर्वत के नीचे आके स्टॉप हो रही है, ऐसे में इंसान मनी माइंडेड होता है, पैसे रुपए के बारे में बहुत सोचता रहता है, कि थोड़ा हर चीज़ में पैसा के एंगल से ही वो उसको काउंट करता है। और हाथ में यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से छोटी छोटी रेखाएं निकल रही हैं, तो कभी कभी होता है कि अच्छा कर्म भी करते हैं तो भी लोग इनको सुना के चले जाते हैं। अब ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। और अगर हम मैरिज लाइन की बात करें तो मैरिज भी यहाँ पर इस तरह से साफ सुथरी मैरिज लाइन है, एक छोटा सा इस टाइप से फोक थोड़ा मिल रहा है, तो जो बताता है थोड़ा सा वाइफ से विचार कम मिलने के योग बताता है। और यहाँ पर एक तरह से 30 या 31 वर्ष के में शादी होने के चांस भी दिखाता है। और हाथ में देखें तो अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, कि देखें लेफ्ट हैंड क्या कहता है। लेफ्ट हैंड में देखें तो लेफ्ट हैंड में भी यहाँ ज़्यादा गैप्स दिखाई देते हैं, देखिए यहाँ पर इस टाइप से ज़्यादा गैप्स है, तो और ज़्यादा खर्च करने की टेंडेंसी को बताते हैं। उंगलियाँ ये यहाँ पर भी उस हाथ की तरह से पतली पतली लंबी लंबी हैं, और ये वाली फिंगर फिर से छोटी है। और हाथ में देखें तो ये दोनों गैप जैसे वहाँ बने हुए थे वैसे यहाँ पे भी बने हुए हैं, और शुक्र पर्वत परंतु यहाँ पर दबा हुआ है। यहाँ पर दिखाता है कि कुछ इच्छाओं को मारने की टेंडेंसी को, कि मेरे पास आज पैसा नहीं है तो मैं अपनी इच्छा कैसे पूरी करूँ, परंतु राइट हैंड दिखाता है कि शुक्र पर्वत काफ़ी डेवलप्ड है, यानी कि पैसा होगा तभी इंसान अपनी इच्छा पूरी कर पाएगा, और पैसा तभी होता है जब इंसान कमा रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है, तो उस हाथ में पैसे का योग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यानी कि अगर पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर की बात करें तो पास्ट में जितना पैसा इनके पास था उससे ज़्यादा पैसा फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और हाथ को थोड़ा और ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी जो मनी ट्रायंगल है, देखिए अच्छा बड़ा मनी ट्रायंगल बन रहा है, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाथ में काफ़ी अच्छे अच्छे योग हैं। यहाँ पे भी ट्रैवलिंग की लाइंस इनके हाथ में दिखाई देती हैं, और हृदय रेखा यहाँ पर भी शनि पर्वत के आके नीचे रुक जाती है। अब हाथ में एक चीज़ और दिखाई देती है, देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये हाथ में ये इस तरह से बंद हो जाना भाग्य रेखा को बंद कर रहा है, तो पैसा थोड़ा सा एक तरह से इंसान को इनहेरिटेंस में भी मिलता है, परंतु यहाँ से थोड़ा सा खुला हुआ है, अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे कोई रेखा आके इसको बंद कर दे तो ये पैसा इनहेरिटेड पैसा भी इंसान को कई बार मिल जाता है। एक बार ही उस हाथ में भी चेक करते हैं कि वो साथ में क्या योग बन रहे हैं। इस हाथ में भी देखें तो यहाँ पर ये बंद हो रहा है ये पोर्शन, जब जब ये पोर्शन बंद होता है तो इंसान के हाथ में इनहेरिटेंस के योग अच्छे बनते हैं, अपने पेरेंट्स से पैसा इनहेरिट करते हैं, तो रुपये पैसे की इसलिए इनको जीवन में दिक्कत नहीं रहेगी, खुद भी अपना अच्छा कमाएंगे और जोड़ेंगे, और इनहेरिटेंस का पैसा भी इनको मिलेगा,
तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।